हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि ये साउंड सुन सकते हैं आप, ये टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। यदि इस साउंड पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट प्लस स्लो मोशन वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विदाउट वाटर मार्क काइनवेस्ट एप्लीकेशन के लिंक दिया हुआ है, सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक विदाउट वाटरमार्क वीडियो का भी लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो आपका कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, सिंपल आप ओरिजिनल साउंड को आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे 4.4 या 4.5 पे आना है, कैचिंग के निशान पे क्लिक करना है और सिंपल आपको यहाँ पे स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड टू प्ले हिट हो चुका है। इसके बाद मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखी है सिंपल आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद सिंपल वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है और वीडियो को आपको स्लो मो करना है, तो यहाँ पे 0.5 पे कर देना है। तो ये वीडियो आपका स्लो मो में हो जाएंगे। इसके बाद डन करते हैं, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको सिंपली म्यूट कर देना है। इसके बाद आपको वीडियो को 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं वीडियो मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें 4 से 5 सेकंड तक का सीन चाहिए, तो सिंपल मैं आपको 6.0 तक रहने देता हूँ। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और प्रेस करके रखना है कुछ इस तरह से, इसे लास्ट में लेकर आ जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो सेकेंड वाले वीडियो जो आप गर्ल वाले हैं इसमें आपको 4 से 5 सेकंड तक का वीडियो आपको ले लेना है। कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, फिर से इसे इस वीडियो को हमें लास्ट तक लेकर आ जाना है। अब क्या करना, आपका जो वीडियो, इस वीडियो में आपका भी कुछ पार्ट एक्स्ट्रा होगा तो एक्स्ट्रा पार्ट जो भी आपको रिमूव कर देना है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से मैं चलने के स्टार्ट किया हूँ, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट को रिमूव करना है, तो ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद हमारा वीडियो जो है कुछ इस तरह से यहाँ से खत्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट है लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट पार्ट वीडियो का आपको सेम इसी तरह से रहने देना है। सेकेंड पे आना है और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट देना है, तो सिंपल आपको नीचे की तरफ आना है और इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको इसको चाहे इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि ये ऑप्शन में नहीं आते हैं, ये ऑप्शन आपके काइनवेस्ट एप्लीकेशन में नहीं आते, सिंपली गेट मोड पर आना है और यहाँ से आपको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसे मैं आपको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद मैंने फर्स्ट में सेलेक्ट कर लिया हूँ, इसके बाद सेकेंड पे आते हैं। इसके बाद इसमें फिर से हमें वहीं आना है और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको फिर से हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक ऑप्शन अब ऑल मिल जाता है एक्सीलेशन का। एक्सीलेशन पर यदि आपको कैनवेस्ट एप्लीकेशन में आ रहा है तो सिंपल आप स्पीड इन या फिर स्पीड आउट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको प्ले कर दिखा देता हूँ। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ये साउंड जो है टिकटॉक पे फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि इस साउंड पे आप इस वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैचिंग के निशान पर क्लिक करना है, इस ट्रैक आइडियो कर देना है। वीडियो पर क्लिक करेंगे और इसे आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, जो भी आपको एक्स्ट्रा वीडियो है एक्स्ट्रा वीडियो का आपको रिमूव कर देना है। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा वीडियो जो है फर्स्ट कुछ इस तरह से, सेकेंड कुछ इस तरह से, थर्ड कुछ इस तरह से और फोर्थ नंबर में कुछ इस तरह से आ रहा है। इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं ट्रिम टू राइट करता हूँ। इसके बाद क्या करना है, अब देख सकते हैं वीडियो हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ट्रिम टू राइट कर देना है। अब हमारा वीडियो जो है यहाँ पर 18 सेकेंड के आसपास बन चुका है और तैयार हो चुका है। सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, लास्ट का साउंड जो तो हमारा स्लो हो जाता है, हमारा यहाँ पे स्लो नहीं होगा। यदि आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट जो यहाँ पर इफेक्ट जो आपने ऐड किया, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन साउंड ऐड करना चाहते हैं, सिंपली आप ट्रांजेक्शन साउंड भी ऐड कर सकते हैं। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ट्रांजेक्शन साउंड भी दे दूँगा, सिंपल आपको साउंड को सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपको बहुत सारे साउंड आपको ऐड है, सिंपल कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे, इस ट्रैक आइडियो कर देंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे या इसको आपको डिलीट कर देना है। और इस साउंड में आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन साउंड आपको मिल जाएंगे, तो आपको 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है जहाँ से आपका ट्रांजेक्शन साउंड स्टार्ट होगा। आइडियो वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सिंपल कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। और जहाँ पे ट्रांजेक्शन साउंड खत्म हो रहा है फिर से आपको आइडियो वाला लेयर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ट्रिम टू राइट कर देना है। ये साउंड जो आपको ट्रांजेक्शन साउंड है, तो सिंपल करना क्या है, इसको इस पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना बिल्कुल सेंटर में।
तो मैंने एडजस्ट कर दिया। इसके बाद फिर से इस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट ले लेंगे। इस साउंड पे प्रेस करेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फिर से डुप्लीकेट ले लेना है और इस पर आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इस तरह से आपको 1, 2, 3, 4 जगह आप ट्रांजेक्शन साउंड भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंडर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।